हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज अपन सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायोड। उसके बाद आप सीखेंगे बाइसिंग क्या होती है। सबसे पहले सीखेंगे डायोड, फिर सीखेंगे बाइसिंग क्या होती है। बाइसिंग जनरली अपने पास टू टाइप्स की होती है। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है अपने पास रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि डायोड क्या होता है। जब आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास ले आते हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है, तो अपने पास एक सेमीकंडक्टर डायोड मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? सेमीकंडक्टर डायोड। कैसे? पी को और एन को जब ज्वाइन करते हैं तो अपने को क्या मिलती है? सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड का मतलब, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल हो, एक नेगेटिव टर्मिनल हो, मतलब दो टर्मिनल हो, और जो क्या करे, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने दे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करने दे। उसके बाद आप बात करते हैं सिंबल्स की। ये अपने पास डायोड का सिंबल होता है, ये अपने पास होता है पी और ये होता है अपने पास एन। ठीक है, ये होता है अपने पास डायोड का सिंबल। उसके बाद आप बात करते हैं अगर पी और एन को, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पास लेके आएंगे तो अपने पास क्या चेंजेस होंगे, और उन्हीं चेंजेस को आप अब सीखेंगे। सबसे पहले देखो, ये अपने पास कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था। आपको ये टेबल याद है ना, बी सी एन। ये ग्रुप होता था 13, ये होता था 15, ये होता था 15, 13, 14, 15। ये ग्रुप रहता था अपने पास कॉमन। जब आप बी को सी में ऐड करते थे ना, 13 ग्रुप को 14 में ऐड करते थे, तो अपने पास क्या बनता था? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और 15 को 14 में ऐड करते थे ना, तो क्या बनता था? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके कारण जो इस सेमीकंडक्टर में जो करंट होता था, करंट यानी कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते थे, वो क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन। और इस में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते थे, वो क्या होते थे? होल्स। ये आप डिटेल में बात कर चुके हैं पीछे। अब इसको थोड़ा रिवाइज कर लिया क्योंकि अपने को यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों को क्या कर दिया अपने? पास पास ले आए। पास पास लाने के बाद अब देखो क्या होगा, जो पी टाइप है इसके अंदर क्या होंगे? होल्स। एन टाइप के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, पी और एन टाइप के अंदर जो गैप है ना, वो बिल्कुल कम है। इतना कम गैप है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस साइड जंप कर सकते हैं। इस साइड जंप क्यों करेंगे? अब देखो, होल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव पार्टिकल नहीं होता, बट पॉजिटिव पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और डिस्टेंस कम होने के कारण ये जो फर्स्ट चार्ज है ना, इसके पास क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अब देखो, सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं ना, दोनों आपस में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज़। और डिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है? ख़त्म होना, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको है ना एक थ्योरी से समझो, कुछ ऐसे देखो, ये एक लड़का है और ये भी एक लड़का है, दोनों आपस में मिले और यहाँ से भाग गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, ये पॉजिटिव पार्टिकल था, दोनों मिलने के बाद क्या हुए? डिफ्यूज हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। अब ये यहाँ से मिलने के बाद ख़त्म हो गया, ये इससे मिलने के बाद ख़त्म हो गया, और ये इससे मिलने के बाद ख़त्म हो गया। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। तो अब देखो, यहाँ पर ये जगह क्या होगी? खाली होगी। अब जो ये जगह खाली हुई है ना, इन पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने के कारण या डिफ्यूजन होने के कारण, उसी को आप बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर। अब देखो, मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लिख रखा है, यहाँ पर नेगेटिव लिख रखा है। जो लेयर है इसके अंदर ये चार्ज कैसे लिखा, उसको समझते हैं। अब देखो, ये अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपनी जगह छोड़ के चला जाता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन
किसी के अंदर आ जाता है या किसी जगह पर आ जाता है तो कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। अब इस केस में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहाँ चला गया था? पी टाइप के पास। तो एन टाइप की साइड कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। चला कहाँ गया था? पी टाइप के पास। जिस साइड जाता है उस साइड क्या लेके जाता है अपने साथ? नेगेटिव चार्ज। तो इस साइड क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस केस में क्या होता है देखो, इस साइड हो गया नेगेटिव चार्ज, इस साइड हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो अंदर एक वोल्ट वी की बैटरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये एक्चुअल में जो इसको बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल बैरियर क्यों कहते हैं? अब देखो, अब ये यहाँ पर क्या होगी, एक बैटरी जनरेट होगी। अब पी और एन टाइप के बीच में कुछ ऐसे समझो, यहाँ पर जो गैप था ना बिल्कुल भी नहीं था। अब इस केस में क्या होगा, जो पी टाइप और एन टाइप के बीच में गैप होगा ना, वो गैप बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग होल्स है ना, वो आपस में डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे। किसके कारण? इस पोटेंशियल बैरियर के कारण। और इसी को क्या बोलते हैं अपा? डिप्लेशन लेयर। तो ये किसका काम करता है? पोटेंशियल बैरियर का। अब एक चीज़ और होती है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो क्या जनरेट करते हैं? करंट। अब यहाँ पर मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। उस करंट को आप बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये करंट कुछ इस तरह का होता है, जस्ट इमेजिन करना, ये मूव किया पैदा हो गया, इसके साथ डिफ्यूज हुआ ख़त्म हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ डिफ्यूज हुआ, वैसे ये क्या हो गया, करंट ख़त्म हो गया। ठीक है, कन्वेंशनल करंट यही करंट होता है। अब जो ये प्रोसेस होता है ना डिफ्यूजन, इसके लिए देखो नीचे डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक करंट बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट या डिफ्यूजन करंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। जो करंट का बनना, मतलब एक टाइम तक करंट का बनना, जैसे एक बारी करंट बना ख़त्म हो गया, एक बारी फिर से बना फिर ख़त्म हो गया, एक बारी फिर से बना ख़त्म हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने बता ही दिया है कि डायोड का सिंबल क्या होता है। उसके बाद आप बात करते हैं बाइसिंग के बारे में। अब बाइसिंग क्या होती है देखो, अपने पास ये पी टाइप या एन टाइप दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? डायोड। जब आप डायोड को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं ना, वही क्या कहलाता है? बाइसिंग कहलाता है। अप्लाइंग वोल्टेज टू पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड, या तो आप इसको पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं, और ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर का टाइप है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, जब आप पीएन या सेमीकंडक्टर को क्या कर देते हैं? बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाइसिंग। अब उसके बाद क्या होता है, बाइसिंग भी दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। इस केस में देखो क्या होता है, अगर जो अपने पास डायोड थी या जो अपने पास सेमीकंडक्टर था, उसको आपने वोल्ट वी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो ये पी टाइप, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो पी टाइप होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और एन टाइप को किसके साथ करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। मतलब इसको कुछ इस तरह से समझो, देखो पी को पी के साथ किया मतलब दोनों सेम है, एन को एन के साथ किया तो दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया? ट्रू। और इसको आप और क्या बोलते हैं? ट्रू कनेक्शन। देखो पी को पी के साथ किया, यानी कि पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन को एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये क्या है? ट्रू है। क्या ट्रू है? ट्रू कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद अब इसके कारण क्या होगा, उसको आप थोड़ा सीख लेते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, ये अपने पास एक वोल्टेज थी। ठीक है, क्या थी? एक वोल्टेज थी, इसका तो पता ही अपने को, जिसको आप क्या बोलते थे? पोटेंशियल बैरियर। अब बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, इसको है ना कुछ इस तरह से समझा रहा हूँ, इस बैटरी को मैं अलग से बना रहा हूँ और इस बैटरी को मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, इसको कुछ यहाँ से इस तरह से समझना। देखो एक बैटरी तो यही थी अपने पास, अंदर वाली बैटरी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये
देखो ये ए बैटरी है ना, जो अपन ने वोल्ट बी की बार लगाई ना ओ है, और जो ये बी बैटरी है ना, ये जो सेमी कंडक्टर यानी कि सेमी कंडक्टर डायोड के अंदर है वो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बार वाली बैटरी को रख दिया 10 वोल्ट की और अंदर वाली बैटरी को रख दिया 3 वोल्ट की। जो अंदर वाली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये क्या होगा, करंट की डायरेक्शन यानी कि 3 वोल्ट करंट कुछ यहाँ पर आएगा। इस केस में क्या होगा, ये कितनी बैटरी है 10 वोल्ट की, और इस केस में करंट कहाँ पर होगा, इस साइड 10 वोल्ट। ऊपर से क्या आ रहा है 3 वोल्ट, नीचे से क्या आ रहा है 10 वोल्ट। एक्चुअल में कितना करंट बच जाएगा 7 वोल्ट। मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इस केस में क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव था, क्या था पॉजिटिव, यहाँ पर है अपना पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, ये करंट यहाँ से आया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल रिपेल इन द सेंस, इसको इमेजिन करो कि ये इस लेयर के ऊपर जो डिप्लेशन लेयर है इसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा रिपल्सिव फोर्स, इसको यहाँ से फोर्स लगाएगा। सिमिलरली एन टाइप के अंदर कौन सा, ये है एन टाइप, एन टाइप के अंदर क्या है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ मूव करते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ से क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या लगाएंगे एक रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये एक्चुअल में इसकी विड्थ है जो वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यानी कि थिन हो जाएगी। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, पी टाइप के अंदर डिप्लेशन लेयर का कम होना कहलाता है, ठीक है। अपा क्या पढ़ेंगे कि डिप्लेशन लेयर क्या होगी, थिन होगी ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। इस बैरियर के कारण क्या होगी, पोटेंशियल, जो पोटेंशियल बैरियर के कारण डिप्लेशन लेयर का कम होना, यही क्या कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और यही अपने को पढ़ना था कि अगर पी टाइप में जो सेमीकंडक्टर है पी टाइप, अगर उस डायोड को, जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसको अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं ट्रू कनेक्शन के अंदर, ट्रू कनेक्शन इन द सेंस पी को पी के साथ एन को एन के साथ, ये क्या कहलाता है यानी कि पी इजिकल टू पी एन इजिकल टू एन, इसको क्या बोलते हैं ट्रू कनेक्शन। और इसके अंदर क्या होगा, लेयर क्या हो जाएगी, ये लेयर हो जाएगी छोटी। अब देखो अगर लेयर छोटी होगी तो एक्चुअल में क्या होगा, ये लेयर कुछ इस तरह से हो जाएगी, फिर से क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेंगे, फिर से क्या बनेगा डिप्लेशन लेयर, और फिर से ये लेयर क्या हो जाएगी कम, ये कुछ इस तरह का प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आप फॉरवर्ड बायसिंग। इसके दो नाम है, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग बोल सकते हैं, इसके अंदर ट्रू कनेक्शन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है, जो करंट होता है वो क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। फ्लो क्यों करेगा, अगर ये लेयर कम होगी तो दोनों के बीच का गैप कम होगा, फिर से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और क्या होता रहेगा करंट फ्लो करता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ रिवर्स बायसिंग के अंदर, क्या बात करूं रिवर्स बाइसिंग के अंदर, अब देखो रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होगा, आप क्या करते हैं बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, या इसको ऐसे समझो, देखो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको सेमीकंडक्टर डायोड के पी के साथ कनेक्ट करते हैं। क्या पी इजिकल टू एन है या एन इजिकल टू पी है, नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं फॉल्स। ये क्या है फॉल्स, और साथ में जोड़ दो कनेक्शन, एक्चुअल में ये कहलाता है फॉल्स कनेक्शन। और कोई चीज़ गलत हो तो क्या उसके अंदर करंट होगा, नहीं होगा, वो किस स्टेट में होगी, बंद होगी यानी कि ऑफ स्टेट में कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस केस में डिप्लेशन लेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से समझो, यहाँ से क्या आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो कुछ करंट अपना गया इस साइड, क्या गया करंट, करंट के पास कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन द सेंस कि जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना इनके ऊपर एक फोर्स लगेगी, कहाँ की साइड बाहर की साइड। सिमिलरली अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये देखो ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगी कहाँ बाहर की साइड। अब देखो यहाँ भी बाहर की साइड फोर्स लग रही है, यहाँ भी बाहर की साइड फोर्स लग रही है, तो डिप्लेशन लेयर का साइज क्या हो जाएगा बड़ा। और डिप्लेशन लेयर का साइज बड़ा होना यानी कि इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही जंप नहीं कर पा रहे थे इसके अंदर, अब इसका साइज थोड़ा और बड़ा हो गया,
थोड़ा और बड़ा हो गया तो और क्या इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर जंप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे तो करंट बनेगा? नहीं बनेगा। इसके अंदर करंट बनता है ना, बिल्कुल बिल्कुल स्मॉल बनता है, ठीक है? इसीलिए आप इसको बोलते हैं फॉल्स कनेक्शन, ठीक है? अब आप बात करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यही है कि डिप्लेशन लेयर थिक हो जाएगी और जो चार्ज कैरियर होंगे वो किस, देखो एक चीज़ और देखो इसके अंदर, थोड़ा मैं भूल गया था, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और क्या है, होल्स भी हैं। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इलेक्ट्रॉन तो कहाँ भाग जाएंगे, यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ से क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज। सारे होल्स कहाँ भाग जाएंगे, यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स। और जो करंट होगा ना इन माइनॉरिटी होल्स चार्ज कैरियर के कारण होगा, और उसके अंदर क्या था फॉरवर्ड में, माइनॉरिटी नहीं था, मेजोरिटी के कारण करंट था, ठीक है? यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब इनकी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करा तो बीएससी फर्स्ट ईयर में अपन ने एक्सपेरिमेंट किया था फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का, ठीक है? उसी एक्सपेरिमेंट को अपन थ्योरीली इस अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन ने क्या किया था, एक वोल्टेज ली थी, एक करंट लिया था, और उन दोनों के बीच में क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। फॉरवर्ड के केस में अलग बनाया था, रिवर्स के केस में अलग बनाया था, और कई जगह तो कुछ इस तरह से अपन ने दोनों सेम भी बना दिया था, ठीक है? कुछ इस तरह का ग्राफ बना था, अगर मैं एक्चुअल में बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का था, और यहाँ पर बात करूँ तो कुछ इस तरह का था। अगर थोड़ा थोड़ा ध्यान में हो, अगर ध्यान में नहीं है तो मैं भी याद करवा देता हूँ आपको, ठीक है, क्या था। अब फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, देखो ये होता है डायोड का, यानी कि सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल। मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर करेगा फॉरवर्ड बायस को मेजर, यानी कि यहाँ पर IF लिखा हुआ ना, ये गलत है, इसकी जगह आएगा VF, ठीक है? सिमिलरली जो मिली एम्पियर एमीटर है, मिली एमीटर, ये किसको मेजर करेगा, ये करंट को मेजर करेगा, किसको, IF, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज को ये मेजर करेगा, फॉरवर्ड करंट को ये मेजर करेगा, ठीक है? वोल्ट मीटर को आप आने लगा दिया पैरेलल में। देखो दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज। अब आप पैरेलल में क्या करते हैं, अगर किसी चीज़ को पैरेलल में ज्वाइन करना है ना, तो उसके पॉजिटिव पॉजिटिव को मिला दो और नेगेटिव नेगेटिव को मिला दो, वो हो गए उसमें पैरेलल में। अगर सीरीज में कनेक्ट करना है, जैसे मैंने एमीटर को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में, तो जो सेमीकंडक्टर डायोड का पॉजिटिव और जिसका सीरीज में करना है उसका नेगेटिव, यानी कि एमीटर का नेगेटिव, ये कहलाता है सीरीज कनेक्शन, ठीक है? ये आपने ले लिया डायोड, ये हो गया अपने पास वोल्ट मीटर, ये हो गया एमीटर जो करंट को मेजर करेगा, ये वोल्टेज को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, ये ले लिया अपने एक बैटरी, और ये दिखा रहा है कि बैटरी क्या है, वेरिएबल है, जिसकी वोल्टेज को आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में आपने रखी वोल्टेज 0, अगर वोल्टेज को 0 रखेंगे तो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो भी 0 आएगा। 1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, कुछ इस तरह की वैल्यू आई थी, ठीक है? जब वोल्टेज को 2 रखेंगे तो भी 0 आएगा। 3 पे ये क्या आएगी वैल्यू, 1, 4 पे 2, 5 पे 3, और ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे ये 3 तक तो क्या है, सॉरी 2 तक तो क्या है, 0, मैंने 2 तक इसको क्या दिखा दिया, 0। फिर क्या होगा, एकदम से यानी कि 2 के बाद ये कुछ इस तरह से अपवर्ड होना हो जाएगा, और जहाँ से ये अपवर्ड स्टार्ट होना होगा ना, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, बात एक ही है। एक्चुअल में इसका ज़्यादा यूज़ कहाँ होगा, नी वोल्टेज के टर्म में इसका ज़्यादा यूज होगा, ठीक है? ये होगी अपने पास नी वोल्टेज, यही होती है इसकी करेक्टरिस्टिक, ठीक है? करेक्टरिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, VI का क्या बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर ले लिया IF और यहाँ पर ले लिया VF, इसी का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ये जो है ना, अब देखो 0 1 2, ये क्या रहा था, यहाँ पर 0 रहा था। 0 क्यों रहा था, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक 10 वोल्ट की बैटरी को क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था, ठीक है? 10 वोल्ट की बैटरी क्या कर दी थी, एक सेकेंड,
कुछ इस तरह से बनाते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी क्या करी थी, कनेक्ट, यानी कि ये 2 वोल्ट तक तो कुछ ऐसे ही चलेगी, और जब ये 2 वोल्ट के बाद जो ये पोटेंशियल बैरियर है ना, जब ये टूट जाएगा 2 वोल्ट के बाद, जब ये यानी कि 3 वोल्ट बैटरी करंट देना, मतलब 3 वोल्ट की पावर देना स्टार्ट कर देगी, तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करने लगेंगे, पी की साइड, तो करंट का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो 3 पे कितना हुआ 1, 4 पे कितना हुआ 2, 3 पे आते ये पोटेंशियल बैरियर टूट चुका है, ठीक है, यही है इसकी करैक्टरिस्टिक। उसके बाद आप बात करते हैं, और ये नी वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज एट विच करंट राइजिंग स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, देखो रिवर्स बाइसिंग में किसको, डायोड के पॉजिटिव को यानी कि पी के पॉजिटिव को एन से कनेक्ट करना होता है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है, ये देखो मैंने एन से कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या होगा, अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये वोल्टेज कुछ टाइम तक रहेगी कॉन्स्टेंट, क्या रहेगी कुछ टाइम तक, जैसे ये अपने पास वी आर हो गया और ये हो गया आई आर, ये आपने प्रैक्टिकल में किया था, अगर थोड़ा बहुत ध्यान दो, कुछ टाइम तक हुई थी कॉन्स्टेंट, उसके बाद सडन इंक्रीज हुआ था, क्या हुआ था, सडन इंक्रीज, ठीक है। जो सडन इंक्रीज हुआ था ना, इस सडन इंक्रीज को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। और जो ये लाइन है ना जिसके अंदर ये कॉन्स्टेंट रही थी, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहेगा अपना हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक जर्नली इसके अंदर केस किसका आता है, जिन्नर डायोड का भी केस आता है, उसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में या उससे आने वाली वीडियोज़ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट जहाँ तक जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है रेक्टिफायर, और उसके रेक्टिफायर के दो टाइप होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, वो आप बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करो।